सर कैन यू रिपीट जो अभी आपने क्या कहा, मेरा थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था। अरे कुछ नहीं बोला मैंने, शांत रहो। तो लास्ट क्लास में हम सभी ने, सारे बच्चे आ गए? नो सर, सर आधे आए ऑलमोस्ट। ओके 52 ही आए हैं, सो वी हैव टू वेट इन दैट केस। अभी एक बच्चे ने मेरे को डाउट भेजा, उसमें बहुत सारे मेटल्स थे, उनका अरेंजमेंट दिया हुआ था, उसमें बोला होता इसमें से कौन सा सही अरेंजमेंट है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब भी आपको केमिकल रिएक्टिविटी का अरेंजमेंट चेक करना है, आपको सबसे पहले तो एक्टिविटी सीरीज पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर आपको एक्टिविटी सीरीज याद नहीं है तो यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चन इन दैट केस। मोरओवर आफ्टर लर्निंग दोज एक्टिविटी सीरीज, ट्राई टू फाइंड आउट कि ऐसा कोई मेटल बीच में तो नहीं है जो नहीं होना चाहिए था, ठीक है? मेटाथेसिस रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, और ये मैंने क्लास में बताया भी है। वो चारों ऑप्शन जो थे उसमें गलत थे, ऑल फोर ऑप्शंस वर नॉट राइट, ठीक है? तो डू केयर ऑफ सच थिंग्स। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सौम्या, आदित्य, अक्षिता, उदय, आर्यन, क्वेश्चन था हर्षुल, महिमा, तन्मय। सर हाँ जी सर, अगर हम लेमन को एज ए इंडिकेटर ले तो एसिड और बेस में क्या चेंज होगा? क्या बोल रहे हो सर? अगर हम लेमन को एज अ इंडिकेटर ले, ठीक है, तो जब क्या सर? बोलो बोलो आगे क्वेश्चन क्या है। तो सर एसिड और बेस में जब हम उसे डालेंगे तो क्या चेंज होगा उसमें? थोड़ा आप लेमन हो वीक एसिड है ना, अगर उसका बेस रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट बनेगा। यू नो दैट एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट। यस सर, है ना? सर मैंने लेमन को स्मेल करके देखा, लेमन को स्मेल करके देखा सर, स्मेल आ रही थी। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स गुड। व्हाई ऑल आर लेट? सिर्फ 70 स्टूडेंट्स ही हैं अभी तक, ऑलमोस्ट 90 प्लस बच्चे हैं इस बैच में। बोलिए सर, आपने पिछली क्लास में यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बताया था जी, तो सर वो बस पेपर की फॉर्म में होता है या मतलब और भी फॉर्म में होता है? सॉल्यूशन भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, बहुत सारे इंडिकेटर्स का डायरेक्ट सॉल्यूशन बना लो। ओके सर। सर पीएच से भी अच्छा कोई इंडिकेटर होता है बेटा? आपका जो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो दरअसल पीएच स्केल पे ही काम करता है, तो pH is a good, no doubt, सबसे अच्छा इंडिकेटर तो वही है क्योंकि वो आपको स्पेसिफिक और प्रिसाइज डेटा देता है। आई होप आप सभी ने एक्यूरेसी और प्रिसीजन का एक लेक्चर जो मैंने डाला है वो देखा होगा, ठीक है, जो काफी अच्छे से समझाता है कि एक्यूरेसी क्या होती है। और जिसने नहीं देखा है जा करके देखे, बहुत क्लियरिटी होगी, ठीक है सर? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर से बढ़िया कोई इंडिकेटर नहीं है बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ पीएच मीटर्स जो है, पीएच मीटर बहुत अच्छे इंडिकेटर है, पीएच मीटर आपको बहुत प्रिसाइज डेटा देते हैं, ठीक है? तो आप पीएच मीटर यूज करते हैं, पीएच स्केल यूज करते हैं, नो डाउट। बेटा अगर टर्मरिक को देखो तो टर्मरिक आपका जो है वो एसिड और बेस की रिएक्शन होती है ना बेटा वहां पे, वो तो टर्मरिक खुद एक इंडिकेटर है, तुम उसका पीएच स्केल क्यों पूछ रहे हो, है ना? यस सर, टर्मरिक खुद एक इंडिकेटर है, पीएच स्केल जो है एसिड और बेस का देखेंगे। ओके सर। सर सर एक डाउट था। बोलिए। सर एक क्वेश्चन है, फोर बीकर्स विद केमिकल आर शोन बिलो, नेम द बीकर्स व्हिच विल शो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड दोज विल बी एंडोथर्मिक इन नेचर। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? अब आपको पर्सनली हेल्प कर, अब हम चैप्टर स्टार्ट सर पढ़ेंगे, ठीक है? तो अगर सर आपने पिछली क्लास में डेफिनेशन आपको न्यूट्रल में कोई एक्टिविटी शो नहीं करता, वो जनरली वो आपको ग्रीन कलर शो करेगा अगर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करेंगे तो, ठीक है? तो सर करेगा, बाकी जो
बाकी जो नॉर्मल इंडिकेटर्स है वो कोई चेंजेस शो नहीं करेंगे, क्योंकि जो आप कलर उनके देखते हो वो उनका न्यूट्रल कलर होता है, नेचुरल कलर होता है। यस सर। सर पीएच पेपर का अपना कलर क्या होता है? बेटा मैंने बताया था आपको, जो आप यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो आपको येलोइश क्रीमिश कलर का दिखेगा वो, ठीक है? बहुत सारे मिक्स 15 out 10 क्या सर डीपीपी में डाउट है? बोलिए क्वेश्चन सर। डीपीपी 5 का क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, क्वेश्चन बोलो एक। अच्छा बेटा भाई काम करो, मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? पर्सनली मैं आपको इंटेंड कर लूंगा आपके क्वेश्चन, ठीक है? आप लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन लास्ट चैप्टर आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको पर्सनली हेल्प कर दूंगा, हेल्प कर दूंगा। फिलहाल हम एसेट्स की बात कर रहे हैं सर। वॉइस लैग कर रही है क्या? वॉइस लैग कर रही है आपकी, लैग हो रही है मेरी आवाज, लैग कर रही है कुछ बच्चों की? यस सर, क्लियर है। नो सर, क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर है। मेरे को तो चैट पे लिख रहा है कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैं ऑडिबल हूँ। सर क्लियर है। हाउ इट इज पॉसिबल सर? नेटवर्क प्रॉब्लम बेटा बहुत सारे। अगर देखो, अगर बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैं क्लियर आवाज है मेरी, इसका मतलब यह है कि मेरी मेरा नेटवर्क सही है, ठीक है? मेरा सेटअप सही है। आपके नेटवर्क में दिक्कत आ रही है तो मैं फिर कह रहा हूँ ऐसी लोकेशन जगह बैठी है जहाँ पे आपको क्लियर आवाज मिले। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी। चलिए अब हम बात कर रहे थे एसिड्स की, ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं एसिड्स की। तो एसिड क्या है? आप सभी लेमन कभी ना कभी टेस्ट किया ही होगा, है ना? ठीक है, तो लेमन का टेस्ट कैसा होता है? सार होता है। सिमिलरली आपने ऑरेंजेस भी खाए होंगे, ठीक है? ऑरेंजेस का टेस्ट कैसा होता है? ये भी सार होता है। या आंवला की बात करूं, आंवला का टेस्ट भी कैसा होता है? सार होता है, ठीक है? इफ आई टॉक अबाउट ऑल दीज सब्सटेंसेस, ठीक है, तो इन सभी के अंदर एक तरह का सब्सटेंस या कह सकते हो कंपाउंड प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड्स, ठीक है? तो पहला पॉइंट जो मैं कह सकता हूं कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर सार इन टेस्ट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपका जो एसिड है उसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, ठीक है? यहां तक आई होप समझ में आया। देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया था कि केमिस्ट्री में ना हम हर एक टर्म को उसकी प्रॉपर्टीज से ही समझते हैं, तो हम इस टर्म को ही उसकी प्रॉपर्टीज समझेंगे। तो अगला आपको ही तो पता ही है एसिड क्या है? कंपाउंड, ठीक है? हम इन कंपाउंड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज समझेंगे, उन प्रॉपर्टीज के थ्रू हम कहेंगे एज सब्सटेंस जो ये प्रॉपर्टी शो करता है वो एसिड से। पहला पॉइंट जो मैंने बोला है वो ये है कि एसिड्स को अगर आप टेस्ट करोगे तो वो सार इन टेस्ट होता है। पहला पॉइंट में ये है। दूसरा पॉइंट इज एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दे आर इलेक्ट्रोलाइट। अगर एसिड्स की बात करूं तो ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है, वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब हम किसी भी सब्सटेंस को, सपोज मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, इसके अंदर वाटर ले लिया, इसके अंदर अगर मैं किसी भी सब्सटेंस को डिजोल्व कर दूं और अगर ये पूरा सॉल्यूशन कैसा बन जाए? कंडक्टिंग हो जाए, यानी कि इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, तो इस सॉल्यूशन को क्या बोलूंगा मैं? इलेक्ट्रोलाइट। आई होप आपको ये समझ में आया जो मैंने समझाया। सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे ना? हाँ, वो सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि एसिड्स जो है वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी कि जब एसिड को
वाटर में डाल देंगे तो आपका जो ये सॉल्यूशन बना है ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, द सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, देखिए आप सभी ने पढ़ा भी होगा स्मॉल क्लासेस में कि मेटल्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मेटल्स जो है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर होते हैं। लेकिन ये तो मैंने बात करी सॉलिड्स की, लेकिन जब बात करूं लिक्विड्स की तो लिक्विड्स में इट इज आयन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके जो एसिड्स हैं, जैसे ही आप अपने एसिड को वाटर में डालते हो इट डिसोसिएट्स और यू कैन से ब्रेक्स इनटू आयंस, हालांकि इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे, इट ब्रेक्स इनटू आयन। ठीक है, आयन आप सभी ने क्लास 9 में पढ़ा है क्या होते हैं, तो आपका एसिड आयन में ब्रेक हो जाता है जैसे आप उसको वाटर में डालते हो, एंड दोज फ्री आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम इस इलेक्ट्रोलाइट को एक बार ढंग से डिस्कस करेंगे, पहले मैं एक बार एसिड को डिफाइन कर दूं, प्रॉपर्टीज बता दूं, थोड़ा सा उसका क्लासिफिकेशन कर ले हम, जब हम डिसोसिएशन एक बार समझ लेंगे कि हाँ डिसोसिएशन और ब्रेकिंग क्या होता है, फिर हम इलेक्ट्रोलाइट के डिफरेंट डिफरेंट केसेस को भी समझ पाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में ही। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई जो मैंने बोला। यस सर, मैंने आप अरे किसकी पीछे गाड़ी चल रही है भाई, गाड़ी घोड़ी की आवाज मत चलाओ सर। सर सॉल्ट वाटर भी एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, आपने कहा कि बोले सर सॉल्ट वाटर भी एक इलेक्ट्रोलाइट होगा। बेटा सॉल्ट क्यों आ रहे हो, मैंने सॉल्ट पढ़ाया है क्या, सॉल्ट आप लोग नहीं जानते, काम डाउन। नो सर, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर ना, आप सॉल्ट वो घर वाला नमक की बात कर रहे हो ना। यस सर, देश का नमक टाटा नमक उसके बारे में बात करेंगे। यस सर, तो वो इलेक्ट्रोलाइट होगा, काम डाउन, आपको भी इलेक्ट्रोलाइट समझाऊंगा ढंग से। सॉल्ट्स कैसे सर, अभी बोलना नहीं चाहता बेटा कुछ भी, क्योंकि किसी भी चीज को जनरलाइज करना जहां तक पॉसिबल है कर दो, लेकिन जहां पॉसिबिलिटी है बच्चों को समझाया जा सकता है तो मैं वो समझाना चाहूंगा, काम डाउन। सॉल्ट्स जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करूंगा ढंग से करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये समझना है कि एसिड, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सारिन टेस्ट होता है, जो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, और वो क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी कि उसके एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। देखिए ये बात तो क्लियर हो चुकी है आप सभी को कि एसिड क्या है, कंपाउंड है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका। चलिए हम आगे डन। ठीक है, तो अगर मैं एसिड्स की बात करूं, एसिड क्या है, कंपाउंड है। इस एसिड को भी हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है ऑर्गेनिक एसिड और एक है मिनरल एसिड। देखिए ऐसा एसिड जो हमें प्लांट्स एंड एनिमल से मिले, आसान भाषा में लिविंग थिंग से मिले, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक एसिड। और ऐसा सब्सटेंस जो हमें अर्थ के मिनरल से मिले, ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ मिनरल, दैट इज कॉल्ड मिनरल एसिड। ठीक है, आई होप आपको ये पहला क्लासिफिकेशन समझ में आया है एसिड का, कि एसिड को दो, एक है ऑर्गेनिक एसिड, एक है मिनरल एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड है जो प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। ठीक है, अब मैं बहुत सारे एसिड बताऊंगा ऐसे, और सोर्सेस भी बताऊंगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड की, और मैंने आपको बताया है कि ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड है जो हमें, स्क्रीन फ्रीज हो गई है, स्क्रीन फ्रीज हो गई है, नो सर ठीक चल रही है, बेटा ऐसे कैसे हो सकता है स्क्रीन फ्रीज हो जाए, छत पे बैठे हैं हम आप लोगों के लिए बिना एसी में। सर वो, सर वो उसके नेटवर्क में कुछ दिक्कत होगी बेटा, प्लीज ट्राई टू कम इन अ प्रॉपर लोकेशन, आप लोगों को नेटवर्क मिले,
मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ, ठीक है, प्लीज ट्राई टू सिट इन अ पोजीशन जहाँ पे आप लोगों को बेनिफिट हो। अगर आप ऐसी जगह बैठेंगे जहाँ पे आपको इंटरनेट प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम आप ही को होगी और आप इस तरह से ही परेशान रहेंगे, ठीक है। बाकी को दिक्कत नहीं हो रही है, एवरीबॉडी सेइंग दैट इट इज फाइन। उद्देश्य जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट होता है जरूरी नहीं है वो एसिड ही हो, बेस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, बात करेंगे इसके बारे में। गुड क्वेश्चन सर, बोलिए सर। सर आपने कहा कि जब एसिड वाटर में डालते हैं तो सर वो डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, सर वो डिसोसिएट कैसे हो जाता है आयंस में? बात अभी बात करेंगे, अभी करेंगे हम बात, ठीक है। फिलहाल समझिए ऑर्गेनिक एसिड की हम बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक एसिड वो है जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिले, ठीक है, ओके। तो पहला एसिड है टैनिक एसिड। टैनिक एसिड किसमें होता है, किसी को पता है क्या? टी में होता है, ठीक है। तो चाय में क्या होता है? टैनिक एसिड। सर बोलिए। सर टी लीव्स में होता है या फिर टी में होता है? एग्जैक्टली टी लीव्स में होता है बेटा। एसिटिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड में क्या काम पाया जाता है आपको? विनेगर में मिलता है, विनेगर। लैक्टिक एसिड क्या होता है? कर्ड। कर्ड कर्ड एंड मिल्क। कर्ड। सिट्रिक एसिड क्या होता है, बोलिए सर? लेमन। सिट्रस फूड। लेमन इन सिट्रस फ्रूट्स। मिल्क में होते हैं लेमन, ऑरेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑक्सैलिक एसिड, ये क्या होता है? टोमेटो। टोमेटो। टोमेटो सर। टोमेटो। टोमेटोज एंड स्पिनच। पापा इज अ सेलर मैन, क्या खाता था? ऑक्सैलिक एसिड खाता था। क्या बात है हेमा बेटा, पढ़ना नहीं है, क्लास छोड़ के जा सकते हो। टीचर का म्यूट करके क्या मिलेगा तुम्हें? ओके, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. चलिए तो नेक्स्ट मैंने बताया ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट टार्टरिक एसिड। टैमरिन। 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 बोलिए सर। ऑर्गेनिक एसिड के बाद सर आपने जितना लिखा एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? मेरा कनेक्शन 2 सेकंड के लिए टूट गया था बेटा। 2 सेकंड मैं बहुत टाइम से ऑर्गेनिक एसिड ही पढ़ा रहा हूँ। वो एसिड है जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, लिविंग थिंग से मिलता है, ठीक है। तो हम वो सारे चीज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे आपको ऑर्गेनिक एसिड मिलता है। अंडरस्टूड? यस सर। चलिए तो हम बात करते हैं एंट की। फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड सर। बी स्टिंग। फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ये कीट काटती है, और जब मधुमक्खी काटती है जब हमारे वो पोर्शन जब सूज जाता है ना, वो दरअसल फॉर्मिक एसिड की वजह से ही सूज जाता है। इसलिए कहते हैं कि कोई बेस अप्लाई करो या मेटल से रगड़ो, बेसिकली वो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का एक प्रोसेस होता है। इसके बारे में लैक्टिक एसिड जो होता है वो मिल्क में भी पाया जाता है ना? लैक्टिक एसिड सर मिल्क में। बेटा नहीं बेटा, ये तो खट्टे मिल्क में बोल सकते हो, कर्ड ही होता है वो तो। नहीं सर, लैक्टोज होता है मिल्क में तो।
पर जब लैक मतलब लैक्टोबैसिलस मतलब लैक्ट हमारी मैम ने बताया था लैक्टिक एसिड होता है पर उसकी क्वांटिटी स्मॉल होती है। अच्छा जितना मैं जानता हूँ बेटा लैक्टोज होता है आपके मिल्क में एंड जो जो वो बैक्टीरियस वगैरह होते हैं लैक्टोबैक्टीरियस ऐसे नाम होता है बैक्टीरिया का वो आपको लैक्टिक एसिड बना के देते हैं दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कर्ड। सर आपने कहा अनराइप ग्रेप तो सर राइप ग्रेप में नहीं होगा टार्टरिक एसिड? हाँ बेटा देखो मैं बताना चाह रहा था ये चीज कि जैसे अब टोमेटोज की बात करो टोमेटोज जब कच्चे होते तब होता है इसमें ऑक्सैलिक एसिड लेकिन टोमेटो जब पकता है ना उसमें क्या आता है सिट्रिक एसिड आता है वैसे इसके अंदर भी चेंजेस आते हैं। ठीक है सर सर फॉर्मिक एसिड और मेथनोइक एसिड सेम होता है क्या? एग्जैक्टली एग्जैक्टली यू आर राइट आपका जो फॉर्मिक एसिड है और जो ये एसिड है वो सेम है इसको फॉर्मूला होता है। ठीक है तो आपका जो अनराइप ग्रेप है इसके अंदर वैसे टार्टरिक एसिड होता है पर इसमें मैलिक एसिड भी होता है। ठीक है एप्पल में भी होता है मैलिक एसिड यस एप्पल में भी होता है ये। ठीक है और थोड़ा बहुत इसमें सिट्रिक एसिड भी होता है जैसे जैसे ये पकता है ना ग्रेप इसमें टार्टरिक एसिड का जो कंटेंट है वो कम हो जाता है। ठीक है और सर पे किसका कंटेंट बढ़ जाता है? मैलिक एसिड का। ठीक है मतलब सर तो, मैलिक एसिड मीठा होता है क्या? देखो ओवरऑल जो है 90% जो है किसी भी ग्रेप का दैट इज कवर्ड बाय मैलिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड। ठीक है अपना टेस्ट करना पड़ेगा अंगूर अंगूर मीठे कहाँ होते हैं भाई कौन से अंगूर मीठे होते हैं? सर जो बहुत ज्यादा पक जाते हैं कहाँ मीठे मीठे होते हैं सर बहुत ज्यादा पकने के बाद वो मीठे हो जाते हैं कोई नहीं खाता उन्हें। देखो स्वीट स्वीट टेस्ट एंड अंगूर का टेस्ट में बहुत अंतर होता है आप उसको मीठा नहीं बोलते कुछ मीठे होते हैं। ठीक है तो अंगूर देखो एक होता है बहुत ज्यादा खट्टा होता है कम खट्टा होता है सर खट्टा मीठा वाला टेस्ट होता है। ठीक क्या सर खट्टा मीठा वाला टेस्ट होता है शुगर लेवल बेसिकली शुगर लेवल की बात हो रही बेटा शुगर लेवल बढ़ जाता है उसमें। ठीक है लेकिन स्टिल आपके जो पके हुए अंगूर हैं उसके अंदर एसिड्स होते हैं और वो हल्का सा टेस्ट देता है। सर सेम अप्लाई होगा हमारे ऑरेंजेस के लिए क्योंकि सर कुछ ऑरेंजेस मीठे भी होते हैं। हाँ कह सकते हो चेंजेस आते हैं एसिड के चेंजेस आते हैं। ओके सर सर किसी मतलब पकने से एसिड में चेंज नहीं आता क्या? मतलब कोई भी चीज राइप हो रही है तो सर उसके एसिड में चेंज हो जाता है आपका वो जो ऑर्गेनिक एसिड है धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हुआ था जो एक्सेस में है जैसे जैसे फूड पकते हैं। ठीक है सर जो और वो शुगर में बेसिकली शुगर में रिड्यूस होना स्टार्ट कर देता है। सर बेस होता है किसी फ्रूट में? फ्रूट में बेस आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होता है सर। ऑर्गेनिक बेस होते हैं वैसे फ्रूट में ऐसा कोई बेस नहीं होता। सब्जी में होता है वेजिटेबल में? अरे छोड़ो अभी बेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है सर कैन HCl बी कंसीडर्ड ऑर्गेनिक एसिड एज इट इज प्रेजेंट इन ह्यूमंस? नहीं बेटा देखो आप उसको इस तरह से नहीं ले सकते। HCl आपके बॉडी में भली प्रेजेंट है ठीक है लेकिन वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो उसके प्रोटेक्शन में है जैसी वो खुल गया ना ये अपना HCl अपना जलवा दिखा शॉप पे भैया एक गिलास HCl देना। नो सर
एसिड है तो ये ह्यूमन की बॉडी से एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं हम, ये हम अर्थ के मिनरल से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अभी अभी हम सभी ने ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करी है, दीज ऑल आर ऑर्गेनिक एसिड्स, एग्जाम में आप सभी के आ सकता है ये। आपको ऑर्गेनिक एसिड दे दिया जाएगा और सोर्स पूछा जाएगा, या फिर सोर्स दे दिया जाएगा और ऑर्गेनिक एसिड के बारे में पूछेंगे, तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। ये सारे सर सोर्स पे डिपेंड करते हैं। Exactly. अब हम बात करें मिनरल एसिड्स की, दीज आर दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन from minerals of earth. Earth के minerals से जो obtain होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, mineral acid. I hope मेरी जो voice है वो last class के मुकाबले ज़्यादा clear है. Yes sir. Clear है. Yes sir. That's good. तो हम बात कर रहे थे mineral acids की. देखो mineral acids का तो मतलब समझिए, there are n number of mineral acids I know. लेकिन मैं कुछ limited बताऊंगा अभी. ठीक है, पहला आता है HCl, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये भी अर्थ के मिनरल से ही मिलता है। सेकंड आता है H2SO4, ऐसा नहीं है कि एक कुआं खोदा और HCl निकल गया, ऐसा नहीं है। बेसिकली अर्थ के मिनरल्स को यूज करके हम ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सिमिलरली H2SO4 भी हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को करके H2SO4 प्रिपेयर करते हैं, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। किंग ऑफ एसिड्स NO3, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट इज H2CO3, इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक। नेक्स्ट इज H2SO3, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस। आई होप मिनरल एसिड्स आप सभी को समझ में आया कि ये हमारे मिनरल से ही निकलते हैं। ठीक है, यस सर। ये तो मैंने एसिड का एक क्लासिफिकेशन बताया, जहां मैंने आप सभी को समझाया कि एसिड जो है उसको आप उसके अगर सोर्स के आधार पे, अगर मैं सोर्स के आधार पे क्लासिफिकेशन करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। और मैंने समझाया कि एसिड सोर्स के आधार पे एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है मिनरल एसिड। ठीक है, ये था सोर्स के आधार पे कहां से मिलेगा। अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ के आधार पे, द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन विल बी द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, कौन कमजोर है कौन ताकतवर है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसने नहीं लिया है। चलिए तो जो अगला क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन based on strength. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ के आधार पे तो आपका जो एसिड है वो अगेन दो तरीके से क्लासिफाई होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है, हमें इसके बारे में बात करना है। तो पहले तो मैं बता दूं कि ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, एक्सेप्शंस हैं कार्बोनिक एसिड। क्या है ज्यादातर मिनरल एसिड्स हैं
वो स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि आपका H2CO3 ये आपका एक्सेप्शन है, नेक्स्ट है H2SO3 ये भी एक्सेप्शन है, ये वीक होते हैं, दे आर वीक एसिड। और जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड हैं, सारे ऑर्गेनिक एसिड क्या हैं आपके, वीक एसिड्स। ठीक है, किसी को यहां तक डाउट है क्या? ऑर्गेनिक एसिड की एक्सेप्शन क्या सर? ऑर्गेनिक एसिड के एक्सेप्शन नहीं होते, ऑर्गेनिक एसिड की एक्सेप्शन नहीं बेटा, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन राइजेस कि ऐसा क्या है कि आपका जो ये ऑर्गेनिक एसिड है ये वीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड है ये मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग है, आखिरकार एसिड में ऐसा है क्या जो इस तरह की एक्टिविटीज शो कर रहा है? ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट एसिड। स्क्रीनशॉट टेकन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट सर। रिटर्न रिटर्न सर, बोलिए सर। मैंने एक जगह पढ़ा था सर, कुछ लिखा हुआ था कि परक्लोरिक एसिड और बोरिक एसिड भी बोलते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग एसिड को। परक्लोरिक एसिड HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये पढ़ा आपने सर? ने परक्लोरिक एसिड कुछ लिखा हुआ था, सुपर एसिड बोलते हैं जो कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड ना होता, ऐसा है क्या कुछ? हाँ बिल्कुल सही पढ़ा है आपने, और उससे भी स्ट्रॉन्ग होता है फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड। ठीक है सर, तो ये सब तो चेंज होते रहेंगे ना, क्योंकि हम नए में नए बनाते रहते हैं। एग्जैक्टली, तो एक सेकंड रुको, मैं कोई इमेज देख रहा हूँ अच्छी सी आप लोगों के लिए। Leave it. There is no good images available. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स की। इस कंसेप्ट को समझने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि आखिरकार आपका जो एसिड और बेस है वो इस तरह का बिहेवियर क्यों शो करता है। अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, अर्हेनियस एक साइंटिस्ट था बेटा, इसने बोला कि एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस विच गिव्स एच प्लस आयन इन वॉटर। तो अर्हेनियस के अनुसार एसिड वो सब्सटेंस है जो पानी में क्या देता है आपको, एच प्लस देता है, इट गिव्स एच प्लस आयन इन वॉटर। ठीक है, इस एच प्लस आयन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। अब तक सभी को समझ में आया? यस सर। ठीक है, ओके, अब हम समझते हैं कैसे देता है। इसको समझने के लिए आपको एक टर्म समझना होगा, डिसोसिएशन और ब्रेकिंग। ब्रेकिंग डिसोसिएशन एक ही बात है, ब्रेकिंग या डिसोसिएशन किसका, किसी मॉलिक्यूल का। किसका मॉलिक्यूल होगा यहां पे, एसिड का ही होगा नो डाउट। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो एसिड है वो वाटर में ब्रेक हो जाता है इनटू आयन। ठीक है, उसमें से एक आयन क्या होता है, एच प्लस आयन होता है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर मैं HCl को वाटर में डाल दूं
तो क्या मिलने वाला है, H प्लस आयन नो डाउट इन एक्वा सोल्यूशन एंड Cl आयन इन एक्वा सोल्यूशन। अगर मैं H2SO4 को वाटर में डाल दूं तो भी मुझे क्या मिलेगा, H प्लस आयन इन एक्वा सोल्यूशन एंड सल्फेट आयन अगेन इन एक्वा सोल्यूशन। अगर मैं HNO3 को भी पानी में डाल दूं तो भी मुझे क्या मिलेगा, H प्लस आयन मिलेगा एंड नाइट्रेट आयन मिलेगा इन एक्वा सोल्यूशन। H2CO3 की बात करूं, अगर आप इसको वाटर में डालोगे तो ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं होने वाला, ठीक है, तो आपके सॉल्यूशन में H प्लस भी होगा और कार्बोनेट आयन भी होगा और ये अनडिसोसिएटेड भी होंगे। सिमिलरली अगर मैं CH3COOH की बात करूं, विनेगर की बात करूं, इसको भी डिसोसिएट कराओगे तो ये पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, थोड़ा सा डिसोसिएट होगा, आपको H प्लस आयन देगा और करस्पॉन्डिंग एसिटेट अनायन देगा। इन सभी डिसोसिएशन में, डिसोसिएशन आप सभी सभी समझ गए होंगे, इस मॉलिक्यूल का ब्रेकिंग, ठीक है, इनटू कैटायन एनायन। तो जैसे ही आपने इसको वाटर में डाला, जैसे ही आपने इसको वाटर में डाला, देखिए होता क्या है, ये H प्लस आयन है, ये Cl नेगेटिव आयन, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है ना वो उसको अरे उसके आगे इसके चारों अरेंज कर लेगा अपने आप को इस तरह से कि ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन इस कटायन के पास होगा। आप सभी जानते हैं कि आपका जो H प्लस है इसके पास क्या आएगा, नेगेटिवली चार्ज आयन आने वाला है, तो ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इस तरह से सराउंड किया है। अगर मैं इसकी बात करूं क्लोरीन की, तो इसके पास क्या आएंगे, हाइड्रोजन आयन आएंगे, ठीक है, इस तरह से, और ये करेंगे एक दूसरे से इसको दूर कर देंगे एंड दिस विल डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर। जब मैं डिसोसिएट बोल रहा हूं बेसिकली क्या है, इनके बीच का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कौन तोड़ देता है, वाटर तोड़ देता है। सर ये ऐसा नहीं हो सकता कि जो HCl है वो वापस फॉर्म हो जाए, H2O वापस फॉर्म हो जाए, क्योंकि सर H ने सराउंड कर रखा है तो उसमें से कोई एक आया ना उससे रिएक्ट करके वाटर ने H+ और Cl नेगेटिव एक दूसरे को अलग कर दिया है। आप क्या बोल रहे हो, आप लोग क्या कह रहे हो, जो Cl- के चारों तरफ HH है उनमें से कोई एक रिएक्ट नहीं कर सकता उससे और HCl वापस फॉर्म कर ले, नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा। सर कैन यू एक्सप्लेन वंस मोर टाइम, पहले बताओ सभी को ये क्लियर है, यहाँ तक सारे रिएक्शन क्लियर है सर? यस सर। कैन यू सी H2CO3 अभी बात करूंगा जो आप लोगों को डाउट है मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं और अरिनियस के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी कंपाउंड जो H+ दे पानी में वो क्या है, एसिड। क्या पूछ रहे हो बेटा, या तो मुझे बोल दो, पूछिए सर, जो CH3COOH है हम उसे HCH पहले H क्यों लगाते हैं, बाद में क्यों लगाते हैं? बेटा मुझे यहाँ पे सेम कटायन दिखाना है ना, मुझे कटायन दिखाऊंगा ना सबको एक साथ सर्कल करने पे, इसलिए दिखा दिया, आप कैसी ब्रेक कर लोगे CH3COOH जो CH3COOH है उसमें H कौन सा है, हाइड्रोजन है ना, आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन अटैच है, ये स्ट्रक्चर ऐसा है CH3COO नेगेटिव H+ ऐसे स्ट्रक्चर है, जब ऑक्सीजन से अटैच तो हाइड्रोजन तो उसी से अटैच करूंगा ना। सर एक टाइप से थ्योरी तो बहुत लिमिटेड होगी ना, क्योंकि सर सारे उसमें हाइड्रोनियम आयन थोड़ना हाइड्रोजन आयन थोड़ना होते हैं। एग्जैक्टली ये बहुत लिमिटेड थ्योरी है, बट क्लास 10th में ये चलती है, पहले तो मैं बेस समझाऊंगा ना कि बेसिक क्या है, Yes,
रिटर्न डन सर डन डन सर सर डन चलिए देखिए मैंने आप लोगों को ये बोला है कि ये आपका HCl है जैसे ही आप HCl को पानी में डालोगे ये H+ आयन में और Cl- नेगेटिव आयन में ब्रेक हो जाएगा मैं ही कह रहा हूँ देखिए होगा क्या जैसे ही आप इसको H+ को और Cl- नेगेटिव को पानी में डालोगे ठीक है तो ये वाटर के जो मॉलिक्यूल है ना ये इसको घेर लेंगे देखो ये क्या है खुद क्या है ये पॉजिटिव चार्ज है अगर मैं वाटर की बात करूँ वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिसके पास होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है हाइड्रोजन की जिसमें क्या होगा पॉजिटिव चार्ज आप सभी जानते हो कि ये अगर कैटायन है तो इसके आसपास कौन बन रहेगा एक अनायन बन रहेगा यहाँ पे आयन अनायन क्या है ऑक्सीजन है तो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे अनायन ने इस कैटायन को सराउंड करने की कोशिश करी है ठीक है ये क्या है अनायन तो इसके आसपास कौन आएंगे कैटायन आएंगे तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से कटायन ने इन्हें सराउंड कर लिया है आप अब होगा क्या ये डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर बन गए ठीक है वाटर के पास टेंडेंसी होती है बेटा कि ये इस तरह के मॉलिक्यूल्स को तोड़ सके और ये एक दूसरे से इसको अलग कर देंगे इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म कर देंगे ये स्फीयर है एक दूसरे से इसको दूर ले जाएंगे और ये आयन ब्रेक हो जाएंगे ठीक है आप लोगों का अगला डाउट यह है कि क्या ये आयन जो है क्या ये वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा तो अब मैं वो समझाता हूँ देखिए H+ आयन जो है वो स्टेबल नहीं होता तो वो वाटर से रिएक्ट कर जाता है और आपको देता है हाइड्रोनियम आयन आसान भाषा में बोलूं तो ये हाइड्रोनियम आयन ही है रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर ऑफ एसिड्स ठीक है तो असलियत में जो एसिड है जब वो हाइड्रोनियम आयन देगा तो ही वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा ठीक है अब मैं बात करता हूं सीएल नेगेटिव की आवाज आ रही है सबको मेरी यस सर यस सर यस सर आपका डाउट ये है कि क्या ये रिएक्शन होगी मैं बोलूंगा नो रिएक्शन ये रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि आपका सीएल नेगेटिव आयन जो है ये स्टेबल है स्टेबल होने के कारण यहां पर रिएक्शन नहीं होगी ये अनस्टेबल था अब पूछोगे क्यों तो अगर आप H+ आयन का स्ट्रक्चर देखेंगे बोर मॉडल के अकॉर्डिंग तो ये आपका न्यूक्लियस एक प्रोटॉन है और चारों तरफ शेल खाली है ठीक है अब खाली शेल है आप सभी जानते हो अगर आप मकान मालिक हो आपके कमरे खाली हैं तो आप क्या ढूंढोगे आप किराएदार ढूंढोगे किराएदार कैसे भी करके कमरा पकड़ाने की कोशिश करोगे देखो इसने सब कमरा पकड़ा दिया अपना और इसने किराया बना लिया ठीक है पैसों की भाषा हम बहुत अच्छे समझते हैं लेकिन हम सीएल नेगेटिव की बात करूं अगर हम सीएल नेगेटिव की मैं बात करूंगा तो अब सीएल नेगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 288 है अब एक चीज बताओ इसको क्या दिक्कत है इसके इसके सारे जो शेल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड है और ये एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और जब तक ये किसी मीडियम में प्रेजेंट है रिएक्ट नहीं करेगा ठीक है समझ में आ रही बात जैसे जो कोई करस्पॉन्डिंग कटायन दिख गया तो ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे इसलिए क्या आप सभी ने कभी NaCl को पानी में डाला है अगर yes, sir. तो पता क्या मिलता एक बेस मिलता और एक एसिड मिलता और इसको पीने के बाद इंसान स्वाहा हो जाता लेकिन शायद जिंदगी में कई बार आप सभी ने नमक वाला पानी पिया होगा और आपको कुछ नहीं हुआ रिएक्शन ही नहीं होती है क्योंकि Na+ आयन भी स्टेबल है और Cl- आयन भी स्टेबल है वाटर से रिएक्ट नहीं करते इसके बारे में हम सॉल्ट में पढ़ेंगे हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इसके कौन कौन से अनायन रिएक्ट करते हैं और कौन कौन से कटायन रिएक्ट करते हैं कौन कौन से नहीं करते हैं फिलहाल बस इतना समझना है आपको कि सीएल नेगेटिव एक स्टेबल अनायन है और ये वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा सर बोलिए सर सर आपने कहा कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं सर वो HCl के सराउंडिंग्स में आ जाएंगे सर वाटर उनके पास आएंगे क्यों क्योंकि वो तो स्टेबल है आपने डाला है वो खुद नहीं आ रहा था आपने डाला उसको पानी में
सर लास्ट दो रिएक्शन समझ नहीं आए एसिड वाले सर समझ में आया लास्ट टू रिएक्शन सही है सर ये आ गए यस सर ये आ गया तो एक बार स्वर्ण अक्षरों में लिख लो कि एसिड आर दो सब्सटेंसेस विच गिव्स एच प्लस आयन और यू कैन से हाइड्रोनियम आयन कौन सा होता है H3O प्लस इन वॉटर ठीक है अब आप सभी के पास मैंने पांच रिएक्शन लिख के दी थी हालांकि आप सभी को अरिजिनस एसिड का कंसेप्ट समझ में आ गया है पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका सर आप डाउट पूछ सकते हैं सर जो हम ये कह सकते हैं कि जो मतलब जो रिएक्शन जो आपने दो रिएक्शन देखे यहाँ पे पहली रिएक्शन थी HCl को आपने पानी में डाला और वो सारे के सारे HCl के मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए कोरस्पोंडिंग आयन में एक H प्लस आयन हो गया एक Cl नेगेटिव आयन हो गया फिर बात आती है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की इस मॉलिक्यूल में आपने क्या ऑब्जर्व किया आपने इस मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व किया कि जैसे ही आपने इसको पानी में डाला तो ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ आपने देख रहे हैं यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी का साइन मैंने लगाया है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अभी जो सॉल्यूशन जो है उसके अंदर ये आयन है ये आयन भी है और ये मॉलिक्यूल भी है लेकिन इस सॉल्यूशन के अंदर HCl सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये है अब ये नहीं है ये पूरा पूरा टूट चुका है इसमें आसान भाषा में HCl ने क्या शो किया है कंप्लीट डिसोसिएशन इसने शो किया है पार्शियल डिसोसिएशन पार्शियली ब्रेक हुआ है ये ठीक है और ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो भी एसिड्स पार्शियल डिसोसिएशन शो करते हैं उसको हम बोलते हैं वीक एसिड जो भी एसिड कंप्लीट डिसोसिएशन शो करते हैं उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड समझ में आया Excuse me, sir. हाँ बोलिए सर पर इन सब के लिए तो सर हमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ेगी ना वाटर से बेटा इलेक्ट्रोलाइट की मैंने बात ही नहीं करी अभी इलेक्ट्रिसिटी तो क्यों आ रहा है तुझे मैं एसिड समझा रहा हूँ एसिड वो है जो H प्लस दे अगर H प्लस देने वाला कंपाउंड कंप्लीटली ब्रेक हो जाए तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है H प्लस देने वाला कंपाउंड अगर पार्शली ब्रेक हो रहा है तो वो वीक एसिड है सर मतलब मैं ये कह रहा था कि मतलब अगर ये डायरेक्टली अगर हम जैसे HCl वाटर में डालेंगे तो उसी टाइम डिसोसिएट थोड़ा ना हो जाएंगे हाँ बेटा एक आध सेकंड में टाइम लगेगा जो वीक एसिड है वो थोड़ा और टाइम लेंगे ओके सर सर Cl- स्टेबल है कि स्टेबल नहीं है Cl- स्टेबल होता है हाँ स्टेबल होता बेटा ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता सर बताओ आयन है तो स्टेबल कैसे हुआ बेटा आयन तो है लेकिन आप एक चीज बताओ ना आपके पास 50,000 करोड़ रुपए हैं और मैं आपको 10,000 की नौकरी दे रहा हूँ क्या करोगी जवाब दो बेटा नो सर 50,000 करोड़ रुपीस के मालिक हो आप और मैं आपको 10,000 की नौकरी दे रहा हूँ बोलो मैं नहीं कर रहा या मैं नहीं कर रही सिमिलर से देखो सारे शेल भरे हुए और वाटर से रिएक्ट करके ना इसको दिक्कत होने वाली है ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग अगर ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो अपने उस 288 वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को खो देगा तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि हवा में Cl नेगेटिव लटका हुआ है मैं कह रहा हूँ सॉल्यूशन में Cl नेगेटिव स्टेबल है स्टेबल का मतलब ये रिएक्ट नहीं करेगा इससे पर ये कंटिन्यूसली अपना कोरोस्पोंडिंग कटायन ढूंढ रहा है ऐसा नहीं है वाटर ने इसको घेरा हुआ है चारों ओर से आप अभी तो देखो वाटर ने इसको चारों ओर से घेरा हुआ है तो ये बेचारा क्या करेगा चुपचाप बैठ जाएगा ना
यस सर। पोर्टल ने चारों ओर से इस एनायन को सीरियल नेगेटिव को चारों ओर से वाटर ने घेरा हुआ है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी नोबल गैस वाला है। इसके H+ से H2O क्या देगा? H+ देगा या OH नेगेटिव देगा? ये पूरा पूरा H2O इनसे रिएक्ट करके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत ही तो आनी है। तो ये क्यों रिएक्ट करेगा इनसे? इसलिए रिएक्ट नहीं कर रहा है। एसिड से अगर पहले से स्टेबल है तो वाटर के अंदर जाके डिसोसिएट क्यों होंगे? बेटा वो नहीं हुए थे, वो किया गया। तुम और तुम्हारे दोस्त जब तुम साथ में बेंच पे बैठते हो, क्या तुम अलग होना चाहते हो? तुम्हें तो ठीक है ना, अलग अलग बेंच पे बैठो, बहुत बातें करते हो आपस में, होता कि नहीं होता? ऐसा होता है ना। सर वाटर इन मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करता है। एग्जैक्टली, वाटर जो है इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करता है, इनके दूसरे दूर ले आता है। मैंने इस बात को मैं चौथी बार समझा रहा हूं, एक बार दोबारा समझाऊं क्या सभी को? नो सर, नो सर। वाटर के अलावा कोई और भी कंपाउंड ऐसे ही प्रॉपर्टी शो करता है? बहुत सारे कंपाउंड बेटा, मैं सब कंपाउंड डिस्कस नहीं कर सकता ना, हमारी लिमिटेशन है ना। हम सब बहुत सारे कंपाउंड नहीं पढ़ सकते, 11th 12th के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो अभी से ही आप 10th में IIT क्लियर कर लोगे। सर एक एग्जांपल दे दो वाटर के अलावा कोई हो तो। क्या सर? वाटर मतलब वाटर की जगह हम कोई और सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हो तो सर उसका कोई एग्जांपल दे दीजिए। नहीं, आप ये कह रहे हो कि वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट? यस सर, सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं। अच्छा, सॉल्वेंट जो है यहाँ पे वो प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है, समझ रहे हो? हेलो, यस सर। पहले तो सॉल्वेंट देखो, सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो होता है जिसमें आप डिसॉल्व करते हो उसको, ठीक है। सॉल्वेंट वो होता है आप किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हो। और सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है पोलर सॉल्वेंट, एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर वो होता है जिसके ऊपर चार्जेस डेवलप नहीं होते, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट मतलब H2O क्या है? एक तरह का पोलर सॉल्वेंट है। उसके बाद CH3OH, ये भी क्या पोलर सॉल्वेंट है। CH3OH ये भी क्या का पोलर सॉल्वेंट है। रिपीट द डेफिनेशन, द पोलर सॉल्वेंट की डेफिनेशन। फिर क्या रहा सर? वो कोवेलेंट होते हैं पोलर। पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं जो इसमें चार्जेस डेवलप हों, चार्जेस आए। अगर मैं H2O की बात करूं तो आप सभी जानते हो इससे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इससे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, am I right? सिमिलरली अगर मैं एसिडिक बात करूं, ठीक है, इससे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इससे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। ये सारे क्या है? पोलर सॉल्वेंट्स हैं। CH2OH, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। सर पोलर को सर कोवेलेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट। नहीं बेटा, पोलर को कोवेलेंट नहीं बोलते, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। सर समझ नहीं आया। क्या सर? पोलर वाला समझ में नहीं आया। देखो पोलर बेटा, मैंने आपको फिर समझाया, अभी भी समझाया है। पोलर का मतलब क्या होता है? जब मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप हो। आपको मैंने समझाया था ए बी मॉलिक्यूल, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आया, इसे पार्शियल नेगेटिव आया, ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? पोलर हो गया। इतना समझ में आया? यस सर। अब ये ए ए है, इस पे चार्जेस नहीं आएंगे तो ये क्या होगा?
नॉन पोलर, मतलब सर नॉन पोलर पे कोई चार्ज नहीं होता, मतलब सर जो पोलर पे जो जिस पे चार्जेस होंगे वो पोलर होगा, जिस पे चार्जेस नहीं होंगे वो नॉन पोलर होगा। वेरी गुड, ठीक है तो हम बात करते हैं सॉल्वेंट की बात दोबारा से। सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है पोलर सॉल्वेंट यानी कि जिसमें चार्जेस। अरे बेटा बोलो सर, चैट में एक बच्चे ने लिखा है फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड will completely or partially dissociate. Completely dissociate होगा, strong acid है तो। अभी हम आ रहे हैं बेटा, उस पे आ रहे हैं। पहले solvent पे आए हो तो solvent एक देखो, एक बार में एक question दे सकता हूँ मैं, है ना? या तो आप solvent समझ लो फिर मैं उस पे आ जाऊँ। तो मैं अगर मैं किसी चीज को हवा में छोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, ठीक है? तो try to understand things। मैंने बताया है polar solvent वो है, ऐसे solvents सॉल्वेंट्स के वो मॉलिक्यूल जिसपे चार्जेस आए वो पोलर मॉलिक्यूल, जिसपे चार्जेस नहीं आए वो नॉन पोलर, ठीक है? नाउ आपको जो पोलर सॉल्वेंट है ना वो फर्दर क्लासिफाई होता है पोलर ए प्रोटिक और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर ए प्रोटिक क्या है और पोलर प्रोटिक क्या है? देखिए प्रोटिक मतलब आपको H प्लस दे सके, ऐसा सॉल्वेंट जो आपको H प्लस दे सके वो क्या होगा? पोलर प्रोटिक। तो अभी भी जो मैंने बताया आपको H2O, CH3OH, ठीक है, C2H5OH, ठीक है, उसके बाद एसिटिक एसिड, ये सारे क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है? अब बात करते हैं पोलर ए प्रोटिक की, जिसमें एच प्लस आयन नहीं मिले आपको। पहला आता है DMSO, इसका नाम होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है ऐसा। सो दिस इज योर DMSO और बताता हूं मैं आपको, अगला है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड DMF, डाइमिथाइल पोलर एप्रोटिक समझ नहीं आया, जिसमें H प्लस ना हो, बताता बेटा इसमें H प्लस मिल रहा है क्या? जो H प्लस दे दे वो प्रोटिक है, जो H प्लस ना दे वो एप्रोटिक है। सिंपल, प्रोटिक मतलब क्या? प्रोटोन, H प्लस क्या है? प्रोटोन ही तो है। जो सॉल्वेंट H प्लस आयंस और दूसरे आयंस को सेपरेट कर दे किसी कंपाउंड में से वो पोलर प्रोटिक होगा। जो बेटा आपको H प्लस दे सके तो सर वो कंपाउंड को सेपरेट कर, बेसिकली वो कंपाउंड को सेपरेट कर सके, वही H प्लस आयन भी दे सकेगा ना बेटा? इसके पास जो H प्लस ना, इसके पास H प्लस है उसकी बात कर रहा हूँ बेटा, मॉलिक्यूल को छोड़ दो। मैंने अभी क्लियरली समझाया जो H प्लस दे वो प्रोटिक, जो नहीं दे वो एप्रोटिक। ओके सर, अभी पोलर मॉलिक्यूल डिसॉल्व कर सकता है किसी सब्सटेंस, पोलर देखो कांसेप्ट होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, जो पोलर है वो पोलर में डिसॉल्व होगा और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, ठीक है? अगला है एसिटोनाइट्राइल, एसिटोनाइट्राइल का फॉर्मूला होता है CH3CN, ये भी तरह का पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। नेक्स्ट इज HMPA, हालांकि क्लास 12 से पढ़ाते हैं ये, जब क्लास 12 में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब बताया जाएगा सारा सब कुछ आपको, आपको भी बता रहा हूं मैं। हेक्सामिथाइल फॉस्फोरमाइड,
सर एनटीएससी में पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है, तभी बता रहा हूँ, वरना नहीं बताता। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको पोलर प्रोटिक और ए प्रोटिक और प्रोटिक समझ में आया। ठीक है सर, इसके बाद पोलर की जिसके ऊपर चार्जेस ना आए कौन कौन सा होगा? बेंजीन, टॉल्वीन, ऐसे बहुत सारे हैं, CH2, ये सारे क्या है? ये आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं। बोलिए सर, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं उन्हें फिर नॉन पोलर सॉल्यूट चाहिए होगा? एग्जैक्टली, वो नॉन पोलर सब्सटेंस को ही डिसॉल्व करेगा, मतलब वो अगर दूसरा होता वो नहीं करेगा। हाँ जी, ओके सर। सर नॉन पोलर में सेकंड कौन सा लिखा है? टॉल्वीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, टॉल्वीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। सर एनटीएससी में स्ट्रक्चर पूछे जा सकते हैं? हाँ बेटा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पूछ सकते हैं। ओके सर, आगे बढ़े। यस सर, यस सर, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। सर डन। सर बोलिए। सर चैट में लिखा है कि अगर पोलर और ए मतलब सर प्रोटिक और एप्रोटिक एक साथ मिलेंगे तो सर फिर क्या होगा? अर्थ देखना पड़ेगा है ना। इट इज जस्ट लाइक कि सर अगर मैं फोर्थ फ्लोर से कूदूं और सिक्स्थ फ्लोर से कूदूं किसमें ज्यादा चोट लगेगी, वो तो करके देखना पड़ेगा मुझे। तो ऐसे हर चीज रटा हुआ नहीं है, आपको हर चीज प्रैक्टिकली करनी पड़ेगी। अगर आप कुछ नया सोच रहे हो तो आपको लेबोरेटरी में जाके रिएक्शंस करवानी पड़ेगी, उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी, जो कंपाउंड बना है उसके स्पेक्ट्रोस्कोपिक फ्रीक्वेंसीज को नोट करना पड़ेगा। NMR में, IR में डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस होती है, वो करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको मालूम पड़ेगा कि आपका जो कंपाउंड बना है वो क्या बना है। भी समझाया था कि HCl आपका ऑर्गेनिक एसिड नहीं है बेटा, आपकी बॉडी में होता है लेकिन बॉडीज निकाला नहीं जाता। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स की। मैंने आप सभी को समझाया कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड है जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो, इसमें वाटर में, इसीलिए आपका जो HCl है उसको आपने वाटर में डाला तो वह H+ में और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो गया। वीक एसिड वो एसिड है जो पार्शियली डिसोसिएट हो, यानी कि इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो। ठीक है, यहां पे वाटर में जब आपने एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर को वाटर में डाला तो वो पार्शियली डिसोसिएट हुआ, इसलिए आप वीक एसिड्स को खा पाते हो। आपके जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सारे क्या हैं? वीक एसिड्स हैं, इसलिए आप इन्हें खा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप इसे नहीं खा पाते। अगर ये इफ स्ट्रॉन्ग यू वॉन्ट बी एबल टू ईट देम। समझ में आया? यस सर, वेरी नाइस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। सर आपने इक्विलिब्रियम का साइन बनाया तो मतलब सर वो इसका मतलब ये होगा ना कि सर कि वो दोनों
रिवर्सिबल भी होते हैं? हाँ बिल्कुल रिवर्सिबल है, ये आपस से कंबाइन करके आपको ये भी दे रहे हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपके सॉल्यूशन में तीनों प्रेजेंट है, एसिटिक एसिड भी, एसिटेट आयन भी, हाइड्रोजन आयन भी, तो कुछ डिसोसिएट नहीं हुए, कुछ वापस से रिकंबाइन भी हो गए हैं। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं आप सभी को, वो है एसिड डू नॉट शो, एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वॉटर। ध्यान सुनिए मैंने क्या बोला है। मैंने ये बोला है कि आपका जो एसिड है वो बिना पानी के अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक है, ये क्या है, एक ट्यूब है, यहां पे HCl गैस है और यहां से HCl गैस बाहर आ रहा है। मैंने क्या किया, एक लिटमस पेपर लिया, ब्लू लिटमस लिया, ठीक है, और इस गैस को इसके ऊपर एक्सपोज करवाया, तो क्या ये ब्लू लिटमस रेड होगा? नहीं होगा, क्योंकि देखिए HCl जब ये गैसेस फॉर्म में है, सो दिस विल नॉट डिसोसिएट इनटू आयन। गैसेस फॉर्म में ये कटायन और अनायन नहीं देंगे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी, और बिना H+ के आपका लिटमस काम नहीं करेगा, ठीक है। वही अगर मैं यहां पे इस लिटमस को वेट कर दूं, लिटमस पेपर को पहले पानी में डालूं और फिर ये एक्सपोज कराऊं, देन दिस विल टर्न रेड, बिकॉज जो है वाटर प्रेजेंट था वो वाटर कहीं ना कहीं आपके HCl से रिएक्ट करके इसको डिसोसिएट कर सकता है और आपको क्या दे सकता है, हाइड्रोनियम आयन, एंड दिस हाइड्रोनियम आयन विल बी शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। समझ में आया सर? सर ब्लू लिटमस जो है वो थोड़ा, अगर उसे हम वेट कर दे तो वो लाइट रेड होगा ना, उतना डार्क रेड नहीं हो पाएगा ना। ऑब्वियसली बात है लाइट रेड ही होता है बेटा वो। HCl प्लस H2O रिएक्शन कराओगे तो मिलेगा H3O प्लस प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव रिएक्ट नहीं करेगा वाटर से, सिर्फ H3O प्लस बनेगा, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक कैरेक्टर। सर ये मतलब जो हम कहते हैं मेरे पास Cl है तो सर मतलब हमारे पास H3O है? जब आप HCl बोलते तो कुछ HCl ही है, लेकिन उसकी जो एसिडिक प्रॉपर्टी है उसके अंदर प्रेजेंट H+ आयन का वाटर से रिएक्शन होने के कारण है, मैं ये कह रहा हूं। सर हां बोलो। जो हम यहां पे वाटर ले रहे हैं वो डिस्टिल्ड है टैप? डिस्टिल्ड वाटर ही लेते हैं बेटा, अगर आप टैप वाटर लोगे तो कहानी ही पलट जाएगी। क्यों सर? बेटा उसमें इंप्योरिटीज होती है बहुत सारी, इंप्योरिटीज अपना खेल खेलेंगी, है ना सर, वो रिएक्ट कर जाएंगी। और वही तो बोल रहा हूँ, वैसे बात रिएक्ट करेंगी सर, मतलब पहले हमारे बेटा क्या आप सभी को दिल्ली जल बोर्ड का पानी देखा है? ट्राई टू लुक एट दैट। अगर कोई उस पानी को 10 साल लगातार पी ले तो वो कैंसर से मरेगा, दिस इज माय गारंटी। अगर बिना आरओ के या बिना फिल्टर के अगर कोई दिल्ली जल बोर्ड का पानी पी रहा है तो उस पानी के अंदर इतने कंटामिनेंट्स होते हैं कि वो हार्मफुल डिजीजेस लाइक ट्यूमर, कैंसर और
बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिजीज के लिए सफिशियंट है क्योंकि उसके अंदर कितने दिन में मर जाएगा सर। स्कार्सिटी, सर स्कार्सिटी ड्रिंकिंग वाटर होता है ना क्या बेटा? सर इम्प्योरिटीज वाला होता है वाटर, इसके अंदर मेटल है, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। आपकी जो वाटर है उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं। बेसिकली जो ह्यूमन वेस्ट होता है कई बार दिल्ली बोर्ड में पानी वो भी प्रेजेंट होता है, तो अगर वो पानी यूज करो तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी अपना रिएक्शन शो करेगा, मेटल्स भी अपना रिएक्शन शो करेगा। आपने सुना होगा ना केसेस, ऐसे मूवी में देखा होगा कि सर मैं तो आज तक अल्कोहल को टच भी नहीं किया, सिगरेट भी नहीं पी, फिर मुझे कैंसर कैसे हो गया? तो कैंसर बेटा ऐसे होता है, जरूरी नहीं है पिए या अल्कोहल कंज्यूम करे या कोई ऐसी एक्टिविटी करे तो उसको कैंसर होगा। कैंसर डेली हैबिट वाले लाइफ से भी इफेक्ट होता है। आई रिमेम्बर देयर वाज अ चाइल्ड, दैट चाइल्ड सफर्ड फ्रॉम स्टमक कैंसर जस्ट बिकॉज ऑफ हैबिट ऑफ ईटिंग ईटिंग आउटसाइड फूड। जो आउटसाइड फूड बनते हैं, आउटसाइड फूड में दिक्कत क्या है, आउटसाइड जो फूड बनते हैं आजकल तो कोरोना का वो चल रहा है बेटा ट्रेंड, तो इसलिए नहीं खाना है, लेकिन वैसे भी नहीं खाना चाहिए इसको। क्यों? क्योंकि इसमें जो पानी यूज हो रहा है वो पानी इम्प्योर वाटर है, तो बनाने वाले के हैंड्स गंदे हैं, उसी हाथ से जिस हाथ से वो पैसे को छू रहा है उसी हाथ से काम कर रहा है वो। इस पानी के अंदर तरह तरह के कंटेमिनेंट्स हैं और ये कंटेमिनेंट सफिशियंट है किसी भी तरह के अनएक्सपेक्टेड डिजीज को पैदा करने के लिए, ठीक है। बहुत तरह के ऐसे मेटल्स होते हैं जो सीधा सीधा कैंसर दे सकता है इंसान को, इंसान सोच भी नहीं सकता उस चीज को। तभी आप सभी ने देखा होगा कि आजकल लगा होता है कि डजंट मैटर यू हैव अ सिम्टम ऑफ कैंसर और नॉट, यू शुड गेट इट चेक्ड। आजकल कैंसर हॉस्पिटल्स बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कह सकते हो द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड क्वालिटी ऑफ फूड विच वी आर गेटिंग आउटसाइड। दैट्स व्हाई ऐसा कहा जाता है कि आप सभी अच्छी जगहों पर खाओ, 10 रुपए फालतू खर्च हो जाए पर अच्छी जगह खाओ। हालांकि 100 रुपए फालतू खर्च होंगे, 10 रुपए फालतू नहीं होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज वाटर। वाटर आप ऐसी जगह से पिए, बाहर का पानी ना पिए, ठीक है। घर में आप बाहर है तो पैक्ड वाटर पिए क्योंकि पानी ही है, पानी बीमारी का 90% सोर्स। सर बाहर है तो घर से लेके जाओ। हाँ, बाहर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं तो घर का, घर से अपना पानी लेके जाए, खत्म हो जाए। यस सर। खैर बहुत हो गया ज्ञान, अब हम चलते हैं पढ़ाई की ओर। अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। तो अगर आप एसिड की रिएक्शन कराएंगे मेटल से तो मिलेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। एसिड क्या है? HCl। मेटल ले लो, मेटल ले लिया मैंने किसका, जिंक का ले लिया, आपका फेवरेट रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में था। तो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ये आपको देगा पॉप साउंड, ठीक है। और आप इसको टेस्ट भी कर सकते हो, जब भी टेस्ट आप ये रिएक्शन जब करोगे तो हीट रिलीज होगी, आपका कंटेनर गर्म हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई। तो एसिड रिएक्ट विद मेटल टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एसिड की रिएक्शन जब भी मेटल से कराओगे तो वो क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा। आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि यहाँ पे हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। अगर आप HCl की रिएक्शन कराएंगे गोल्ड से तो रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। अरे वो डिस्प्लेसमेंट वाला लॉ, वो रिएक्टिविटी थ्योरी से याद रखो, जिसको याद नहीं है भैया बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो आपके पास सर कोई शॉर्टकट है? सर मैंने सर कोई शॉर्टकट है याद करने का? कोई शॉर्टकट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं होता आगे बढ़ने का, मेहनत करो सर। हाँ बोलो सर। मैंने इसकी एक ट्रिक देखी थी लर्न करने की। आओ सर एक मिनट। सर सर केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जरे फीके से पकाता है।
हाई कोर्ट है आपका आगे वाली, इसको तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कनाका मगर जन किसन कब हर टू एच जी ए जी ए यू खत्म। सर रिपीट कर दो, आवाज कट रही थी आपकी। अरे बेटा कैसे भी याद कर लो, शॉर्टकट अपनी अपनी इच्छा होती है बेटा। देखो शॉर्टकट मैं कुछ बनाऊंगा मुझे पसंद आएगा, आप कुछ बनाएंगे आपको पसंद ना आएगा, ठीक है। तो मैं तो अपनी मदर टंग में बनाता हूँ शॉर्टकट्स, तो मैं आपको बोतल सिखा सकता ना। तो शॉर्टकट जो है बेटा, आप शॉर्टकट आप अपने सहूलियत के हिसाब से बनाइए, ठीक है। ऐसा कोई स्टैंडर्ड शॉर्टकट मुझे इसका नहीं पता है, ठीक है। मैंने इसको बाय एलिमेंट याद किया है, बाय हर्ट हर एक एलिमेंट का नाम, और फिर उसको मैंने अरेंज करके कम से कम 10-15 बार उसको लिख लिख के देखा है, तब जाके मुझे याद हुआ है। आप भी ऐसा करेंगे आपको भी याद हो जाएगा। शॉर्टकट में गलतियां हो सकती है, जब आप एलिमेंट के नाम याद करके याद करते हो ना, वो कभी गलत नहीं होगा। तो मैंने एलिमेंट से याद किया हुआ है इसलिए मुझे याद है। तो आप लोगों को भी एलिमेंट से याद करना है, मैं आपको वही सलाह दूंगा तो सही होगी। जहां शॉर्टकट छोटे मोटे शॉर्टकट जो हाँ लगते हैं कि हाँ ठीक है ठीक है वो बता दूंगा, लेकिन बड़े बड़े सीरीज में कई बार ऐसे शॉर्टकट मिसकंसेप्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर। सर सर ने बताया कि एसिड और मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो फिर वो हाइड्रोजन रिलीज कर सकते हैं, लेकिन जब सर वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब तो नहीं करते सर, वो तो एक एक्सेप्शन है। हाँ नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग सर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हाँ मैं बता रहा हूँ, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण वहां पे कोरिस्पोंडिंग जो हाइड्रोजन बनता है ना, जो भी हाइड्रोजन बनता है वो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में, और खुद आपका HNO3 जो है वो रिड्यूस हो जाता है किसमें, NO2 में और N2O में। समझ में आया? यस सर। NO2 और N2O दोनों एक ही बात है? नहीं बेटा अलग अलग है। तो सर आपने और क्यों लिखा है उसके? हाइड्रोजन मोनोक्लोराइड है, ठीक है। अगर एक बात हो भैया, एक चीज बताओ, H2O और H2O2 का सेम है, ये पियोगे तो जिंदगी चलेगी, ये पियोगे तो मर जाओगे, इतनी एसिडिक का नेचर। सर कितना पीएच होता है भैया? वो देखना पड़ेगा ना यार, वो देखना पड़ेगा तो पीएच कितना है, यू हैव टू चेक। ऐसा डेटा मुझे याद नहीं है, ऐसे गलत डेटा तो नहीं बताऊंगा ना कि हाँ ये होता है मान लो, ठीक है। तो आप लोग चेक कर लो, ये तो थ्योरेटिकल डेटा है, लेबोरेटरी में आप ये सर प्रैक्टिकली करते हो, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपको प्रॉपर बताया हुआ होगा, आप यूज एग्जाम में भी आपको मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एक्सेस दिया जाता है, तो आपको मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एक आध तो याद कर लो, ये कर लो, लेकिन सबका याद नहीं करना, नॉट अ बिग डील। IIT के एग्जाम में NTC एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस 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 दिस, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। बोरोसिलिकेट आयन का वो बताओ मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला सर। हाँ सर, एक पीएच निकालने का सर एक क्वेश्चन लिखा हुआ था एक बुक में सर, बोलो के अभी हम पीएच पे नहीं आए, अभी हम पीएच पे नहीं आए, छोड़ दीजिए। ओके सर, चैप्टर खत्म कर लें, एक बार चैप्टर करो, टॉपिक खत्म कर लें। यस सर यस। तो हम बात करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल कार्बोनेट एंड बाय कार्बोनेट। समझिएगा मेटल कार्बोनेट क्या है, मेटल मतलब आप सभी जानते हैं, मेटल बाय कार्बोनेट क्या है, HCO3 नेगेटिव, कार्बोनेट मतलब CO3 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे कोई मेटल हो सकता है, ठीक है, मैं कोई भी मेटल ले लेता हूँ, सपोज मैंने ले लिया Na2CO3, तो ये क्या बन गया मेटल कार्बोनेट, और एक ले लिया मैंने NaHCO3, ये बन गया मेटल बाय कार्बोनेट। अगर इसकी रिएक्शन कराऊंगा एसिड से, ध्यान दीजिएगा ये दोनों ही क्या होते हैं, ये दोनों बेसिक सॉल्ट है। कैसे हैं ये बेसिक सॉल्ट, हम पढ़ेंगे सॉल्ट वाले टॉपिक में, अभी आपको बस एक्सेप्ट करना है कि बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, ये आपको कौन कौन से आयन दे रहा है, एक दे रहा है Na+ और एक दे रहा है आपको CO3 2 नेगेटिव, यहां का क्या मतलब है आपको Na+ और यहां दे रहा है HCO3 नेगेटिव। इसके लिए आप अगर एसिड से कराओगे तो मिलेगा सॉल्ट मैटर
एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यहां पे भी क्या मिलेगा? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. बैलेंसिंग का फर्क होता है. ठीक है, आई होप ये क्लियर है सभी को कि जब भी मेटल कार्बोनेट और मेटल बायकार्बोनेट रिएक्शन एसिड से कराओगे तब वो क्या मिलने वाला है? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सभी को क्लियर है ये? यस सर. यस सर. चलिए सर, डाइल्यूशन में किसमें फर्क आएगा? वाटर के कंटेंट में. क्या सर? वाटर का कंटेंट किसमें ज्यादा होगा? बेटा ये डिपेंड करता है कि आपने कितना लिया है. ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है? 2HCl है ना. तो आप अगर यहाँ 1 मोल ऑफ HCl ले रहे हो तो यहाँ 2 मोल ऑफ HCl ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ ज्यादा बनेगा. ओके सर. नहीं बेटा, अगर देखा जाए, अगर आप स्टोशियोमेट्री देखेंगे ना, तो ये हो क्या रहा है. एक बार ये रिएक्शन लिख लीजिए. मैंने शायद यहाँ पे गलत ऑब्जर्वेशन कर ली है. ये रिएक्शन है आपकी. अगर आप इसमें एवोगैड्रो लॉ लगाओगे ना, आपने ये लॉ होता बेटा, आपको पता नहीं होगा ये वन का मतलब क्या है. वन मोल, ये टू मोल है. एवोगैड्रो हाइपोथेसिस बोलता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल. तो यहाँ पे जो टू है वो टू मोल है. आप समझिएगा, एक मोल सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है टू मोल HCl से, तब मिल रहा है आपको टू मोल NaCl, वन मोल H2O एंड वन मोल आपका क्या है? CO2. यहाँ पे एक मोल सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है एक मोल HCl से, तब मिल रहा है एक मोल NaCl, एक मोल H2O, एक मोल CO2. तो यहाँ पे वाटर कंटेंट दोनों सेम रहने वाला है, किसी में ज्यादा नहीं होगा. समझ में आया? आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी, एक बार फिर से समझा दो. बेटा मैंने कहा है कि दोनों में वाटर कंटेंट सेम रहेगा, क्योंकि एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि अगर किसी में इक्वल वॉल्यूम है तो इक्वल मोल भी होगा. तो आप देख सकते हैं कि एक मोल दो मोल से रिएक्ट कर रहा है और एक मोल वाटर दे रहा है. यहाँ पे एक मोल से रिएक्ट कर रहा है और एक मोल वाटर दे रहा है, तो वाटर जो फॉर्म हो रहा है वो इक्वल है. मैं ही कह रहा हूँ. तो सर इन दोनों में डिफरेंस बस इसी का है कि वो HCl का अमाउंट उसमें ज्यादा लग रहा है. एग्जैक्टली, वेरी गुड. यहाँ जो CO2 बना है बेटा, इसको आप लाइम वाटर टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हो. आप सभी ने पढ़ा भी था पहली क्लास में, जहाँ पे हम उसमें लाइम वाटर के थ्रू CO2 पास कराते हैं, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर. इसी लाइम वाटर CO2 पास कराओगे तो दिस मिल्कीनेस, दिस मिल्कीनेस विल डिसअपीयर. CH3 अगर हम यहाँ पे ये टेस्ट भी तो कर सकते थे कि बर्निंग स्प्रिंटर ला सकते थे, और सर क्योंकि CO2 इज अ गुड एक्सटिंग्विशर ऑफ फायर. स्टैंडर्ड टेस्ट करते हो, ठीक है, तो स्टैंडर्ड टेस्ट जो है लाइम वाटर है, कंफर्मेटरी टेस्ट है. ठीक है, क्योंकि फ्लेम तो किसी और रीजन से ही बुझ सकता है ना. जो ही नहीं कि सिर्फ CO2 के प्रेजेंस में हो, ऑक्सीजन के एब्सेंस में फ्लेम नहीं दिखेगा. ठीक है, सपोज वहां पे किसी और का एनवायरमेंट बन गया तो भी आपका वो फ्लेम बुझ जाएगा. नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस. सर सर HCl गैस स्टेबल होता है? हाँ बेटा, HCl गैस इज क्वाइट स्टेबल. तो एसिड की रिएक्शन अगर आप बेस से कराएंगे तो मिलता है सॉल्ट एंड वाटर. तो अगर मैं
H2SO4 के रिएक्शन करा दूं NaOH से, जो कि बेस है, बेस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो मिलेगा कोरोस्पोंडिंग सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, जनरली ये रिएक्शन क्या होती है, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सर जनरली क्यों? मैं बेटा बता रहा हूं, जनरली रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है, यानी कि हीट रिलीज होती है, जब रिएक्शन कराओगे तो हीट रिलीज होगी। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। ध्यान दीजिएगा, जब एसिड रिएक्शन आप मेटल ऑक्साइड से कराओगे, देखिए मेटल ऑक्साइड और मेटल दोनों क्या है, दोनों क्या है, बेसिक होते हैं, तो क्या मिलेगा, अगेन सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। लेकिन जब आपने मेटल से कराया तो क्या मिल रहा था, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑक्साइड से रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलने वाला है, वाटर। ठीक है, तो अगर आप कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे HCl से तो क्या मिलेगा, सर अगर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करवाए तो, क्या बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करवाए तो, मैंने बेस पढ़ाया है बेटा, बेस में पढ़ेंगे वो भी, बेस और मेटल रिएक्शन बेस में पढ़ेंगे, अभी तो एसिड और मेटल की पढ़ रहे हैं, एसिड और मेटल ऑक्साइड की पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप एसिड की रिएक्शन एसिड की रिएक्शन कराएंगे बेस से तो बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है सर, अगर इसको नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करवा दे तो क्या, अगर एसिड को अगर हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से कराओगे तो बेटा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो भी एसिडिक होते हैं, वो रिएक्शन नहीं करेंगे, जनरली रिएक्शन नहीं होगी, हालांकि रिएक्शन हो सकती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड से, यानी कि वो नाइट्रिक एसिड की बात आ गई, तो नाइट्रिक एसिड वाली रिएक्शन जो है मेटल नॉन मेटल में हम पढ़ेंगे ढंग से। ठीक है, फिलहाल एक्वारिजिया की बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको बस ये समझना है रिएक्शन अगर आप एसिड से खराब हो तो रिएक्शन ये हो, सर वैसे अगर दो एसिड रिएक्ट करते हैं तो कुछ होता है क्या, सर दो एसिड अगर रिएक्ट करेंगे तो कुछ होगा, कुछ फॉर्मेशन बेटा, एक्वारिजिया बनेगा उसके, इसमें सर नाइट्रिक एसिड और HCl के केस में बनता है HCl के, अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl3 ले लूं और कॉन्सेंट्रेटेड 3:1 तो क्या बनेगा, एक्वारिजिया। सर बेटी मैं पूछ रहा हूँ, अगर 100 ml मेरे पास एक्वारिजिया है तो उसमें 75 ml क्या होगा, उसमें 75 ml क्या होगा HCl, 25 ml क्या होगा HNO3 पढ़ते हो, मैंने उल्टा लिखा दिया, उसको 3:1 बोल लो। इतना याद रखना कि HCl थर्ड पार्ट होता है और HNO3 वन पार्ट होता है। लेकिन ये तो किसी मेथड से आया है, हम किसी और कंसंट्रेशन और किसी रेशियो में नहीं बना सकते, जैसे 4:1 या फिर किसी और में, इसकी स्ट्रेंथ जो इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो इस रेशियो में ही आती है, ये नोबल मेटल्स को गोल्ड को प्लैटिनम को डिसॉल्व इजीली कर सकता है। ठीक है, क्या बेटा क्या नहीं आया समझ में, हेलो सर एक्वारेगिया का पीएच HCl से कम होता है, जीरो ही होता बेटा इसका भी, सर मतलब अगर ये कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए इससे तो फिर सर बचने के कोई चांसेस नहीं है, तो केस टू केस डिपेंड करेगा क्या होगा,
यहां से एक और पॉइंट निकल के आता है कि एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, यानी कि काफी रिएक्टिव होता है एंड कैन इवन बर्न आवर बॉडी। इसलिए कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड से बचकर रहना चाहिए। समझ में आया यहां तक? यस सर, यस सर, यस सर। सर एक डाउट है। बोलो सर। जैसे हम बोलते हैं कि एसिड, जैसे एसिड है, बेसिस है, लेकिन सर जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो फिर सर वो दोनों कैसे शो कर सकते हैं बिहेवियर, एसिडिक और बेसिक? यस यस यस, बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है? गुड क्वेश्चन। देखो बेटा, कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो मैंने को बताया कि मेटल ऑक्साइड जो है वो जनरली क्या होता है, बेसिक इन नेचर, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, क्या है, एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक से मेरा मतलब है कि ये दोनों तरह बिहेव कर सकते हैं, ये एसिड ऑक्साइड की तरह बिहेव कर सकते हैं और ये बेसिक ऑक्साइड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे एसिड से तो क्या मिलेगा, अगेन सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन जैसा कि बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर अगर मैं नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करा दूं बेस से, देखो ये क्या है, बेस है, और बेस से बेस रिएक्ट नहीं करता, बेस से एसिड रिएक्ट करता है। जैसे ये बेस के प्रेजेंस में आएगा ना, बेस के प्रेजेंस में आएगा, ये कैसा बिहेव करेगा, एसिडिक ऑक्साइड की तरह, ठीक है, और ये बनाएगा अगेन सॉल्ट बनाएगा NaAO2 plus H2O। सर इसका डुअल नेचर सोडियम एल्युमिनेट। एक और रिएक्शन ले लो, जिंक ऑक्साइड की बात करें, HCl से रिएक्शन कराओगे, अगर ये एसिड है तो ये बिहेव करेगा एज अ बेस और बनाएगा ZnCl2 plus H2O। लेकिन अगर ये रिएक्ट कर जाए बेस से, ये एसिड है और ये क्या है, सॉरी सॉरी, ये बेस है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एसिडिक ऑक्साइड। तो क्या बनाएगा, Na2ZnO2 plus H2O। यहां पे जो बना है ये भी क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट का नाम है सोडियम जिंकेट। आई होप आप सभी को एसिड्स समझ में आया, ठीक है? यस सर। एक बार मैं फिर से इलेक्ट्रोलाइट पाना चाहता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट के हम टॉपिक एंड करेंगे। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइट वो है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, किसमें, एक्वस मीडियम में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन। जब आपने HCl को वाटर में डाला, समझिएगा, जब आपने HCl को वाटर में डाला तो वो कंप्लीटली ब्रेक हो गया और उसमें आया एच प्लस आयन और Cl नेगेटिव आयन, ठीक है? अब समझिएगा, सपोज आपके पास 10 मोल HCl था तो ये भी 10 मोल बना और ये भी 10 मोल बना, यानी कि यहां पे ज्यादा H+ आयन आए, है ना? और अगर मैं बात करूं H2CO3 की, ठीक है, तो ये ब्रेक होगा पार्शियली, 2H+ एंड CO3 2 नेगेटिव। अब यहां अगर 10 मोल था तो यहां पे कितने हैं अभी वो कंफर्म नहीं है, इससे कम होंगे, ठीक है? अब एक चीज बताओ, ज्यादा H+ किसमें, A में कि B में? A में। A सर। सर A। सर A। सर A। सर A। H+ ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें H+ कम वो वीक एसिड, क्योंकि अब आप भी जानते हो, मान लो आपकी टीम है, आपकी टीम को 100 लोग हैं तो आपकी टीम स्ट्रॉन्ग है, 5 लोग हैं तो टीम वीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड तय होता है कितने H+ आयन है, ज्यादा H+ आयन है तो स्ट्रॉन्ग होगा एसिड, कम है तो वीक होगा एसिड। और समझिएगा, ज्यादा अगर आयन है, H+ आयन और Cl नेगेटिव ज्यादा है तो मोर आयन मतलब मोर चार्ज कैरियर, है ना,
ज्यादा चार्ज कहने का मतलब है ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोलाइट, तो HCl क्या हो गया आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड डिसोसिएशन कम होगा, लेस आयन होंगे, लेस आयन का मतलब क्या है लेस चार्ज कैरियर, और ये क्या हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। इसी के साथ आज की क्लास हम नाम देंगे आज की क्लास को। आई होप आप सभी को सारे टॉपिक्स ढंग से समझ में आएंगे। सून यू गेटिंग योर असाइनमेंट्स, ठीक है? तो कोशिश सर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ड्यूअल नेचर क्यों शो करते हैं एक बार वो बता दो फिर से। यस सर। क्यों करते हैं, सुनो अभी, क्यों करते हैं, वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है? वो समझने के लिए आपको बहुत सारी चीज सीखनी पड़ेगी। अभी मैं आपको वो नहीं समझा सकता हूँ कि वो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो सर? नॉन मेटालिक ऑक्साइड सर एसिडिक होती है ना? नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज एसिडिक और वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है एसिड से, ठीक है? अनटिल सम एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज प्रेजेंट। सर H2O सर तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। यस सर। H2O नॉन मेटालिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है? वो एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और बेस से भी रिएक्ट कर सकता है। और सर जो कार्बन डाइऑक्साइड CO है एम्फिप्रोटिक है, वो एम्फिप्रोटिक है। हां क्या बेटा? सर जो CO भी ऐसा ही है। CO, CO is neutral molecule, neutral oxide है ये, CO2 acidic oxide है। तो फिर सर वो अच्छा सही समझ आ गया। चलिए आज ही क्लास अंत करते हैं सर। बोलिए सर, ऐसे कौन से एसिड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन नहीं होता? BF3, SO2, SO3। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, वो डुअल नेचर वाली। बेटा मैंने वो नहीं समझाया, मैंने बोला अभी मैं वो नहीं समझा सकता हूँ, आप लोगों को पहले पढ़ना होगा तब समझाएंगे। ओके सर। सर एक्वा रीजन कंसंट्रेशन की सर डेफिनेशन क्या थी? Aquaregia is a mixture of two acid, concentrated nitric acid and concentrated HCl, where third part of hydrochloric acid is there and one part is nitric acid. Sir, non-metal acid के साथ react नहीं करते? Generally नहीं करते। अच्छा sir। Sir. सर एक्वारीजे का इस्तेमाल तो सर वो ज्वेलर्स करते हैं ना? वेरी गुड, वही होता है। तो सर वो क्या सर फिर क्या वो बिना ग्लव्स के करते हैं या फिर ग्लव्स के साथ? ग्लव्स पहनते बेटा, अगर नहीं पहनेंगे तो सर वो जल जाएगा ना? एग्जैक्टली जल जाएगा सर। अगर उनका मतलब सर अगर ऊपर से भी मेटल को उसमें ड्रॉप करेंगे तो भी गिर जाए, मतलब दो भी जल जाएंगे वो? चीजों को सही से हैंडल नहीं करेंगे तो वो हार्म तो करेगा सर। सर सर एक्वारीजिया को रॉयल वाटर भी कहते हैं ना? एग्जैक्टली। उसका कलर येलो ऑरेंज होता है ना सर? सर अगर हमें किसी मेटल को ग्रोथ करना है मतलब उसको और शाइनिंग के लिए, तो फिर सर हम पूरा HCl को 4 times HCl ले लेते हैं, हमने साथ में दूसरे एसिड क्यों रखा? क्या बोल रहे हो सर? एक्वारीजिया में हमने दो एसिड क्यों रखे सर? एक ही एसिड रख लेते तो क्या तो नहीं होता? होता बेटा, वो बहुत ही अच्छा एसिड बन जाता है, वो नोबल मेटल्स को भी डिसॉल्व कर सकता है, बाकी जो एसिड्स हैं वो नोबल मेटल्स रिएक्ट नहीं करेंगे। इसलिए आपका जो एक्वारीजिया का ऑरेंज कलर का होता है। यस सर। सर उनका कलर येलो ऑरेंज होता है ना?
हाँ जी बेटा, और ये लोग जो है सर एक क्वेश्चन था सर, व्हाई इज एसिड ऑलवेज एडेड टू वाटर नॉट इन रिवर्स? तो सर इसका ये आंसर ठीक है, बिकॉज सम एसिड्स आर हाईली कोरोसिव इन नेचर एंड दे शो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बारे में लास्ट नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है? ये पूरा टॉपिक मेरे को समझाना है बच्चों को अच्छे से, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स है ये, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? मुझे याद दिलाएंगे आप, मुझे याद दिलाओगे कि नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं यही टॉपिक पढ़ना है, ठीक है? नाम क्या बताया टॉपिक का? डाइल्यूशन ऑफ एसिड। ओके सर, ठीक है, ओके सर, चलिए चलिए, ओके, गुड नाइट सर, बाय सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, बाय सर, गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर।